हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अगम छावड़ा और आज लेके आए हैं बहुत ही यूनिक गाड़ी की वीडियो। ये गाड़ी नहीं है, ये मोटरसाइकिल। तो ये मोटरसाइकिल यूनिक क्यों है? क्योंकि ये है डीजल बुलेट। देखो यहाँ पे आपको लिखा है इनफील्ड डीजल। ये बहुत ही कम समय के लिए इंडिया में आई थी और बहुत ही कम ओनर हैं जो इसको आज भी इसको सक्सेसफुली राइड कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ओनर है हमारे दोस्त आशु भाई। क्या हाल है आशु भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशु भाई बहुत ही बढ़िया, आपके पास एक गाड़ी मेंटेन है, तो आप इसकी थोड़ी हमें जानकारी दो, हमारे व्यूअर्स को भी बताओ आपने कब ली थी गाड़ी और पहले तो आप कब ली थी ये बताओ। हमने ली थी 1995 में। 1995 में अंकल जी ने ली थी जी। अच्छा, नहीं ली थी हमने गाड़ी ये। अच्छा, तो अभी भी आप इसको मेंटेन कर रहे हो? ठीक है यस। तो अभी आप इसको राइड करते हो तो लोग तो मुड़ मुड़ के देखते होंगे आपको जरूर? सब देखते हैं भाई, तो कई बार तो हमें ऐसा होता है भाई रुकवाते हैं भैया रोकियो के देख के क्या चीज ले रहे हो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल देखने में भी अलग सी है ना आशु भाई। तो लोग तो ऑब्वियस सी बात है रोक रोक के आपको पूछते होंगे है ना। तो कभी बेचने बूझने की सलाह नहीं बनी इसको? ना, इसको काफी लोग पूछते हैं दे दो पर हमारा मन ही नहीं करता इसको देने। ना ऐसी चीज देनी भी ऐसा है ना, ना मात्र के बराबर, ना मात्र है। एक बार टंकी फुल कराओ इसकी और भूल जाओ कब कराई थी। अच्छा जी, ऐसी कितने की एवरेज देती है आपको? 90-100 के बीच में एवरेज देती है जी। 90-100 की एवरेज डीजल पे? तो भूल जाते हैं कब तेल डलवाया था लास्ट टाइम। अच्छा जी, 90-100 की एवरेज डीजल पे? जी जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हो ना, ये सच्ची सच में आप इसको, अगर मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना था इस गाड़ी के बारे में। सो लुक्स भी इसकी थोड़ी अलग है, ग्रीन कलर की ये गाड़ी है, काफ़ी पुरानी है, तो थोड़ा आपको लग रही होगी कि यहाँ पे वेयर एंड टियर हो चुकी है इसकी टंकी वगैरह पे। जैसे कि आशु भैया हमें बता रहे हैं कि यार 90 की एवरेज ये दे देती है, तो भाई तेल का तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज की नॉर्मल बाइक है, पेट्रोल वाली भी इतनी नहीं दे सकती, नहीं देती। तो 90 की एवरेज कितने सीसी के इंजन में देती है आशु भाई? 325 सीसी का इंजन है। 325 जी जी। ओहो, तो पिकअप वगैरह कैसा है? पिकअप थोड़ा सा मतलब पेट्रोल के अकॉर्डिंग तो थोड़ा वैसा है, पर अच्छा है रोड पे, जब लंबे रूट पे चलते हैं थोड़ा मजा आता है बहुत। ठीक ठीक। थोड़ा यहाँ पे यूनिक एलिमेंट भी हमें इस बुलेट में दिख रहे हैं, देखो अलग अलग चीजें हैं इसमें, हमें तो पता नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ही, यहाँ पे फिल्टर, ये एयर फिल्टर की जो होती है ना शायद जी, जी, जी। ठीक है, काफी अलग मैकेनिज्म इसमें रहा है और इसकी अभी आपको हम साउंड भी सुनाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी साउंड वगैरह सुनाते हैं। तो इतना आशु भाई से भी पूछते हैं, इसको कभी चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? जैसे सर्दियों में डीजल गाड़ी है, स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम करे? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप तो डेली रूटीन में डेली स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप सर्दियों में इसको जैसे मंथ में एक बार, तब तो थोड़ी सी मतलब हमें तो इसकी आदत पड़ चुकी है एक तरह से। तो आशु भाई अच्छा, थोड़ा पहले इसमें ये बताओ थोड़ा क्या क्या मिलता है इसमें नॉर्मली आज की बुलेट के मुकाबले में? ये तो इसकी बंद करने का ऐसे, यहाँ से बंद होती है इसको, ऐसे स्टार्टिंग हो रही तो यहाँ से बंद होगी। चाबी वाबी नहीं है कुछ इसमें? चाबी लगती थी इसमें, यहाँ पे लगती थी चाबी, वो हमने हटा रखा है इसका। तो अगर आप देख लो इसके भी गियर उल्टी साइड मिलेंगे आपको, यहाँ पे ऐसी गियर है और यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने के लिए छोटी डंडी जो पहले पुरानी बुलेट में आती थी वो भी मिल जाएगी। ये लाइट का है। अच्छा दिखाओ, ये नोब तो बड़ा सही लग रहा है यार, थोड़ा यूनिक लग रहा है ना। आज तो नहीं मिलता, अगर नोब टूट जाए तो मिलेगा नहीं है ना, 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 ना। प्रेशर के मीटर भी है और यहाँ स्पीडोमीटर इसमें दिया हुआ है। यस, यस। ठीक है, मट गार्ड वगैरह देखो, ये ओरिजिनल है सब कुछ इसके। देखो आप इनकी कितनी साइनिंग आ रखी है, जैसे रॉयल एनफील्ड। और यहाँ पे इसकी शाइनिंग भी देखो, जैसे देखो मेरी शक्ल आपको इसमें दिख रही होगी। तो आज भी बुलेट देखो, बड़ी पहले जो भी गाड़ियाँ आती थी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, तो उनमें से एक ये गाड़ी थी डीजल बुलेट। तो आशु भाई जरा इसको स्टार्ट करके दिखाओ यार, आवाज़ सुना दो लोगों को। ये देखो ये देखो भाई, थोड़ी आपको ऐसी लगेगी जैसे थोड़ी पुराने ऑटो की आवाज होती है, बट ठीक है डीजल बुलेट में आपको ऐसी आवाज मिलेगी। ये देखो, बस आशु भाई बंद कर दो, बहुत ज्यादा खतरनाक इसकी आवाज है। आशु भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमको अपनी गाड़ी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। ठीक है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है आपकी आशु भाई, भाई तो सब सपोर्ट करो, अपना ही भाई है अगम छाबड़ा जी। थैंक यू आशु भाई, बहुत मेहनत करते हैं भैया, ऐसे नहीं बनती वीडियो कोई भी, बहुत अच्छी। चलो ठीक है, तो आशु भाई ने अब कह दिया भाई सारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार देना भाई मेरी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसी यूनिक वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। ठीक है आशु भाई, बोल दो एक बार सबको दोबारा सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, सब सब्सक्राइब करो चैनल को और भाई को पूरा सपोर्ट करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस काम में, कोई ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही बना के रख दी, बहुत एक एक टॉपिक पकड़ना पड़ता है हर चीज का। ठीक है ठीक है, थैंक यू आशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी व्यूअर्स से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल।